लद्दाख में कारगिल में मुस्लिम अब बहुसंख्यक हो चुके हैं और उस बहुसंख्यक क्षेत्र में वह किसी भी अन्य पंथ का धार्मिक स्थल नहीं बनने देंगे। इसी वंशा के साथ मुस्लिम समूह उस शांति यात्रा का विरोध कर रहे हैं जो कारगिल में बौद्ध मठ के निर्माण के लिए बौद्ध भिक्षु निकाल रहे हैं। उनकी एक ही मांग है कि कारगिल में उस स्थान पर बौद्ध मठ का निर्माण हो जहां पर पहले बौद्ध मठ था। धर्मगुरु चोसक योंग पालगा रिनपोचे अपने अनुयायियों के साथ इस यात्रा को कर रहे हैं और वह उस स्थान पर बौद्ध मठ के निर्माण के लिए पत्थर रखना चाहते हैं जो पहले बौद्धों की ही थी। इस भूमि के प्रयोग का अधिकार जिहादियों के दबाव में आकर सरकार ने वर्ष 1969 में बदल दिया। बौद्ध मठ के निर्माण के लिए 31 मई से यात्रा का आरंभ हुआ, तभी से यह चर्चा में, परंतु अब 14 जून को जब वह कारगिल पहुंचने वाली है तो इसके विरोध में कट्टर इस्लामिक खुलकर सामने आ गए। बौद्ध कारगिल में एक मठ का निर्माण इसलिए करना चाहते हैं जिससे उनके पास पूजा का एक स्थान हो, परंतु मुस्लिम इसे एक राजनीतिक मंशा से उठाया गया कदम बता रहे। एकजुट जम्मू पार्टी के अध्यक्ष एडवोकेट अंकुश शर्मा ने कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का पत्र साझा किया है जिसमें मुस्लिम समूह की ओर से यह आशंका जताई जा रही है कि राजनीतिक से प्रेरित एक यात्रा जिसे शांति यात्रा का नाम दिया जा रहा है वह कारगिल की ओर आ रही है और जिसका एक ही उद्देश्य है कि इस क्षेत्र की शांति में बाधा पहुंचाई जाए।